प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुंभ स्नान को लेकर साधु संतों की गई अपील। आरएसपुरा के संतों ने भी स्वागत किया और श्रद्धालुओं से अपील की वह कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए कुंभ स्नान करने के लिए ना जाएं और अगर जाएं भी तो सरकार के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करें। घर घर में आवाज लगाई, कोरोना के विषय में जो बड़ी बुरी हालत होने जा रही है इस देश में, कोरोना की महामारी बीमारी जो फैल रही है उसके चलते हुए जो महाकुंभ हरिद्वार में लगा हुआ है, उस कुंभ में बड़ी सुरक्षा की गई, फिर भी हम चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने जब आवाज़ लगाई है हम उसका वेलकम स्वागत करेंगे और पूरा संत समाज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ा है, उनके कंधे से कंधे मिलाकर के हाथ से खड़ा है रहेगा। और जितना भी है हम कुंभ में अगर जाना भी चाहते हैं तो अपने पूरा सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उस गवर्नमेंट के द्वारा ही हम निर्धारित समय पर जाएंगे और सुरक्षा से जाएंगे और मुंह पर जो मास्क लगाना है वो करेंगे और समय समय पर हाथ धोते रहेंगे और किसी से भी अटैचमेंट नहीं करनी है, दूरी फासला बना के रखना है। और यही निवेदन करूंगा, माँ गंगा से भी प्रार्थना करूंगा कि आप जितने भी हैं आप अपने घरों में रह कर के ही उस पर्व को मनाएं और घर में रह कर के गंगा जल जो घर पे रखा है उसी गंगा जल से स्नान करें, छिट्टा करें, पवित्र हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए प्रधानमंत्री जी की हमको सबकी बातों को अमल करना चाहिए। हम अमल करेंगे, साधु समाज भी अमल करेगा और उसमें जो अखाड़ा परिषद है उन्होंने भी वहाँ पर अमल करने की बात की है, वहाँ पर सब अमल करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। जय श्री राम। आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।